हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं रिदम रॉजर पार्ट टू यानी द हीट ऑफ फैंटास्मगोरिया के बारे में। आशा करता हूँ आप सबको रिदम रॉजर पार्ट टू का ट्रेलर अच्छा लगा होगा और बुक भी अवेलेबल है प्री ऑर्डर्स के लिए अमेजोन पर। तो इससे पहले कि हम पार्ट टू के बारे में बात करें, पहले हम बात कर लेते हैं पार्ट वन के बारे में। अगर आपने रिदम रॉजर द सीक्रेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी तक नहीं पढ़ी है तो प्लीज जाइए अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर और उसको ऑर्डर करके पढ़ लीजिए। और अगर आपको ज्यादा जल्दी हो तो आप इसका रिकैप वीडियो देख सकते हैं जो मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पर पोस्ट किया था। तो आइए अब हम बात करते हैं रिदम रॉजर पार्ट टू यानी द हीट ऑफ फैंटास्मगोरिया के बारे में। तो जिन्होंने पार्ट वन पढ़ी है वो जानते होंगे कि स्टोरी एंड होती है जब रिदम अपनी गर्लफ्रेंड मिला के घर जाता है फिनलैंड में उसकी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए। उसकी ग्रैंड मदर जो कि 90 इयर्स ओल्ड है, ही वाज वेरी कंसर्न अबाउट हर कि मिला जो कि एक डी स्लॉट है और उसकी लाइफ से जा चुकी है, उसके जाने के बाद उसकी ग्रैंड मदर जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में अकेली रहती है और एक ह्यूमन है, वो कैसे मैनेज कर रही है। बट ही गोज इन टू अ शॉक व्हेन ही रियलाइजेस दैट ग्रैंड मदर नोज दैट ही हिमसेल्फ इज रॉजर एंड ही बिलोंग्स टू द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। और स्टोरी हमारी वहीं खत्म हो जाती है जब ग्रैंडमदर कहती हैं कि द गेम इज नॉट ओवर येट रॉजर। अब कहानी चालू होती है उसके आगे से, इसलिए कह रहा हूं पार्ट वन पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि पार्ट वन के आगे ही कहानी आगे बढ़ती है। इस पार्ट में रॉजर के घर पहुंचती है और ऐसे रिदम के घर पहुंचते हैं दो पुलिस वाले, फिनलैंड के पुलिस वाले जहां पर वो कहते हैं पॉलिस, पहुंचते हैं क्योंकि उनको शक है कि रिदम नहीं कहीं ग्रैंडमदर को गायब किया हुआ है, क्योंकि कुछ नेबर्स थे ग्रैंडमदर के जिन्होंने देखा है कि रिदम उस रात उनके घर आया हुआ था। रिदम अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो वहां गया था बट ही जस्ट वेंट टू मीट हर समथिंग लाइक दैट। पुलिस वाले कन्विंस हो भी जाते हैं बट उन पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला होता है ड्रॉड्रिक, जो कि रिदम की बातों से ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता और वो सोचता है क्यों ना मैं रिदम का थोड़ा पीछा करूं। बट इससे पहले कि रिदम के बारे में कुछ और पता कर पाता, हमारे रिदम को मैसेज मिल जाता है हमारे अपने मिस्टर नोहा का और मैसेज होता है टू कम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वहां पे शुरू होने वाला है शेबुलेट डे। अब आप मुझसे ये जानना चाहते हैं कि शेबुलेट डे क्या है तो प्लीज आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा मेरे अगले वीडियो का, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा शेबुलेट डे क्या है, या फिर आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं, शेबुलेट डे के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। पर अभी मैं इतना बता सकता हूँ कि शेबुलेट डे एक ऐसा डे है जहां पर सारे के सारे वी स्लॉट बहुत ही मस्ती धूमा धमाल करते हैं। रॉजर वापस एंटर होता है इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड में बोल के वही मैजिकल वर्ड जिसका नाम है एवेलोनिया, और जब एंटर होता है तो वहां उसको मिलती है उसकी बेस्ट फ्रेंड ईवा और ओलिविया। बट कूपर इस टाइम उसको नहीं मिलता क्योंकि कूपर इन्वॉल्वड है दूसरे मिशन में जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में है, एक रशियन एनवायरमेंट में। खैर, हमारा रॉजर और हमारी ईवा और हमारी ओलिविया अलोंग विद ऑल अदर वी स्लॉट्स जाते हैं शेवुलेट डे सेलिब्रेट करने के लिए ग्लास्टनबरी में, पर वहां पे कुछ और कॉन्स्पिरेसीज और एडवेंचर्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वहां पे होती है हमारी फैंटास्मगोरिया जोन की एंट्री। अब फैंटास्मगोरिया जोन क्या है ये जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगी बुक द हीट ऑफ फैंटास्मगोरिया, या फिर मैं भी अपने आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा आपको फैंटास्मगोरिया जोन क्या है। पर उस फैंटास्मगोरिया जोन में रॉजर जाता है फर्स्ट, और हमारे रॉजर को निकालने के लिए आते हैं मैदान में कूपर, ईवा और ओलिविया, क्योंकि मिस्टर नोहा ने बोला होता है मिस ईमा से इनिशिएट करो एक ऐसा मिशन जहां पे हम रॉजर को वापस लेकर आ सके। और रॉजर को वापस लाना इतना आसान नहीं क्योंकि फैंटास्मगोरिया जोन का अपना एक कॉन्टिनियम पॉइंट है जो कॉन्टिनियम पॉइंट मैच होना चाहिए इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड के कॉन्टिनियम पॉइंट से और अर्थ के कॉन्टिनियम पॉइंट से। अब आप मुझसे पूछेंगे कॉन्टिनियम पॉइंट क्या है, तो यही तो खासियत है रिदम रॉजर सीरीज की कि यहाँ पे ऐसी ऐसी टर्मोलॉजीज आपके सामने आती हैं जो बेहद ही बहुत ही बहुत बेसिक तरीके से आपको बुक में समझा दी जाती हैं। तो आपको रीड करनी पड़ेगी रिदम रॉजर द हीट ऑफ फैंटास्मगोरिया जानने के लिए कि आखिर ये कॉन्टिनियम पॉइंट का कंसेप्ट है क्या। वैसे मैं एक वीडियो भी इससे जल्दी बनाऊंगा। उसके अलावा आप जब इस कहानी में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑन टाइम ट्रैवलिंग। तो पिछले पार्ट में आपने देखा था वीनस क्लॉक, कैसे वीनस क्लॉक यूज करके यूज टू ट्रैवल इन टाइम, बट इस बार टाइम ट्रैवलिंग की सारी हदें पार होने वाली है। गूगल और मार्क बुक कुछ ऐसी टाइम ट्रैवल्स करेंगे कि आपका दिमाग घूम जाएगा, और ये टाइम ट्रैवलिंग ह्यूमन वर्ल्ड से लेके इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड तक आपको अलग अलग फेजेस में लेके जाएगी। तो इस बार इंटरेस्ट डबल है, इस बार एडवेंचर डबल है, इस बार मस्ती डबल है, इस बार कॉन्स्पिरेसीज डबल है। तो मिस मत करना रिदम रॉजर द हीट ऑफ फैंटास्मगोरिया। अगर ऑर्डर नहीं की है तो प्लीज गो एंड ऑर्डर इट। इट्स अवेलेबल ऑन अमेज़न फॉर प्री ऑर्डर्स, इट्स अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, इट्स अवेलेबल एवरीवेयर, क्योंकि ये बुक आपके दिमाग की बत्ती जला देगी।